समर्थ रामदासाशिवाय शिवाजी महाराजांना विचारतं कोण असं वक्तव्य राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केल्याने त्याचे पडसाद सगळीकडे उमटायला सुरुवात झाली आहे. महाराजा चक्रवर्ती सब हुए, चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त को कौन पूछेगा, समर्थ के बिना कौन शिवाजी को पूछेगा. मैं कोई शिवाजी को छोटा, चंद्रगुप्त को छोटा नहीं बता रहा हूं, लेकिन उनके पीछे जैसे हमारे कहते हैं हर एक के पीछे उसकी माता का बड़ा सी योगदान होता है, उस व्यक्ति के बच्चे के बच्चे के उससे बनना. तो ऐसे ही हमारे समाज में गुरु का बड़ा स्थान होता है और समर्थ के प्रयास से भला बोले ना समर्थ ने. शिवाजी ने कहा तो छत्रपति ने मेरे को अब राज्य आपकी कृपा से मिल गया है. अब इस देश की एक परंपरा भी है कि अगर गुरु है तो उसको क्या देना चाहिए, जान रहे हो गुरु दक्षिणा नहीं देते हो क्या, तो गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए. अब उन्होंने कहा मैं जीत गया हूँ, अब राज्य भी स्थापित हो गया, रायगढ़ में आ गया हूँ, हमारा सब बन गया है. तो उन्होंने कहा इस राज्य की चाबी आपको देता हूँ. आज के जैसे गुरु होते ना, जो गुरु नहीं गुरु घटा जाते हैं बहुत सारे अच्छे लोग भी, इतना गली भी दोनों किस्म के आते हैं, अच्छे भी बहुत हैं, उनके उसे संसार चलना है. तो मुझे डांट लगाया, उन्हें कहा तेरा है ऐसा भी मुझे खा जा रहा है, तो तेरे पास एक युवा ट्रस्टी, तुम तो इसके ट्रस्टी हो. तो ये जो भाव है ये ऐसे सदगुरु से मिलता है. और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मराठी साहित्य में संत ज्ञानेश्वर आदि से लेकर के समर्थ और आज तक अनेक लोगों ने अपने हिसाब से अपना योगदान दिया है. और मुझे लगता है